हेलो टर्की, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, टर्की एक मिडिल ईस्ट कंट्री है। ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ टर्की से जाना जाता है। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है रेसेप तैयब अर्दगन। यहाँ के कैपिटल का नाम अंकारा है। यहाँ का करेंसी टर्की सीरा। इस्लामिक कंट्री है क्योंकि 99% अपने आप को मुस्लिम रजिस्टर्ड करवाया है। यहाँ का नेशनल गेम ऑयल रेसलिंग और यहाँ का नेशनल एनिमल ग्रे उल्फ है। चलिए जानते हैं टर्की ने अपना नाम क्यों बदल दिया, क्या जरूरत पड़ गई। इससे पहले आप इस वीडियो को देखें। Hey mom, I just landed. Oh, hello Turkey. Hello Turkey. Hello Turkey. यहाँ के प्रेसिडेंट अर्दगन का कहना है, टर्की नाम में फीलिंग है अपने कल्चर, यहाँ के नेशन और सिविलाइजेशन होने की। टर्कीस एक्सपोर्टर असेंबली जनवरी 2020 में अपना नाम चेंज कर दिया है और मेड इन टर्की यूज़ करने लगा है। यहाँ के प्रेसिडेंट का समर्थक का कहना है, जब हम सर्च इंजिन में टर्की लिखते हैं तब एक बर्ड का इमेज आ जाता है। आप लोग सोच रहे हैं कितनी छोटी सी वजह के लिए कोई अपना नाम क्यों बदल देगा, और आप सही भी सोच रहे हैं। जब हमने कैम्ब्रिज डिक्शनरी में इसका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखा, वहाँ मीनिंग टर्की बर्ड तो आया। इस बर्ड की प्रोडक्शन इसकी मीट की वजह से की जाती है। फिर थोड़ा नीचे आने पे इसका मतलब थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग करने वाला मिला, समथिंग दैट फेल्स बैडली और स्टूपिड और सिली पर्सन। ये ऐसा बात हो गया है कि हमें कोई इंग्लिश में कुछ बोल दिया है लेकिन हमें समझ नहीं आया। बाद में जब हम इसका इंग्लिश मतलब देखते हैं तो हमें बुरा लगता है। यहाँ के रिपोर्टर ने जब प्रेसिडेंट से पूछा कि आपका नाम टर्की था या कोई रख दिया, यहाँ का प्रेसिडेंट का कहना था, 1923 में जब ब्रिटिश शासन करने यहाँ आए थे तब हमारा नाम टर्की रख दिया था। उससे पहले हम ऑटोमन एम्पायर से जाने जाते थे। इन्होंने यूएन में भी अपने नाम चेंज करने की अर्जी दे दी है, अपने न्यूज़पेपर के नाम बदल दिए हैं, एम्बेसी के नाम बदल दिए हैं, ट्विटर पेज, फॉरेन अफेयर्स सबका नाम चेंज करके टर्की कर दिया गया है। आप लोग बोलेंगे, इससे पहले कोई कंट्री अपना नाम बदला है? तो मैं बता देना चाहता हूँ, 2019 में नीदरलैंड बना हॉलैंड, 2018 में मैसेडोनिया बना नॉर्थ मैसेडोनिया।